बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट इज़ फेज़ लीड एंड फेज़ लैग। इससे पहले हमने बच्चों सेम फेज़ या इन फेज़ का कंसेप्ट दिया है। मैंने आपको बताया था कि अगर दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, और वह एट द सेम टाइम ज़ीरो पॉइंट से पास करती हैं, देन दे आर सेट टू बी इन सेम फेज़। अब नेक्स्ट देखते हैं कि दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फेज़ लीड कब होता है और फेज़ लैग कब होता है। अगर एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ज़ीरो पॉइंट से अर्लियर पास करती है तो उसको हम लीडिंग इन फेज़ बोलते हैं, और जो क्वांटिटी ज़ीरो पॉइंट से बाद में गुज़रती है उसको लैगिंग इन फेज़ बोलते हैं। तो फिर एक दफ़ा बता दूँ कि अगर एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ज़ीरो पॉइंट से अर्लियर पास करे इट इज़ सेट टू बी इन लीडिंग इन फेस, एंड द क्वांटिटी विच पासेस थ्रू ज़ीरो पॉइंट लेटर ऑन इज सेट टू बी लैगिंग इन फेस। तो इसको पहले डेफिनेशन देख लें। एंड अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मीन बच्चों एसी वोल्टेज भी हो सकती है, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकते हैं, मीन एसी वोल्टेज या एसी दैट पासिस थ्रू अ ज़ीरो पॉइंट अर्लियर इट इज सेड टू बी लीडिंग इन द फेज, एंड द अदर इज said to be lag। तो बच्चों मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है थ्योरेटिकली कि फेज़ लीड का मतलब क्या है, फेज़ लैग का मतलब क्या है। फेज़ लीड को और फेज़ लैग को ग्राफिकली अंडरस्टैंड करेंगे, फेज़ लीड और फेज़ लैग को हम मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे। और आपको बच्चों पता होना चाहिए कि जब फेज़ लीड होता है बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़, या फेज़ लैग होता है बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़, तो फिर फेज़ डिफरेंस होता है। अगर दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज सेम फेज़ में हैं तो फेज़ डिफरेंस ज़ीरो कहलाता है। और ये भी बच्चों ज़हन में रखें कि अगर दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की फ्रीक्वेंसी सेम हैं तो दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटी सेम फेज़ में हैं, मीन फेज़ डिफरेंस ज़ीरो है, तो फिर हर टाइम पे हर पॉइंट पे फेज़ डिफरेंस ज़ीरो ही रहेगा। लेकिन अगर दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ में फेज़ लीड है या फेज़ लैग है तो फिर उनमें फेज़ डिफरेंस होगा। और अगर सेम फ्रीक्वेंसीज हैं दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की तो हर पॉइंट पे फेज़ का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, यानी जितना फेज़ डिफरेंस एट एन अर्लियर पॉइंट होगा या एट सेम अर्लियर इंस्टेंट होगा उतना ही फेज़ का डिफरेंस एट सम लेटर इंस्टेंट मौजूद होगा। लेकिन अगर दो क्वांटिटीज़ में फेज़ लीड और फेज़ लैग है और उन दोनों की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं तो फिर फेज़ डिफरेंस भी चेंज होगा। इट मीन्स इट माइट बी पॉसिबल कि दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ किसी इंस्टेंट पे सेम फेज़ में भी आ सकती हैं, फेज़ डिफरेंस भी हो सकता है, आउट ऑफ फेज़ भी हो सकती हैं। इट मीन टाइम के साथ फेज़ डिफरेंस चेंज होगा। लेकिन फिर कह रहा हूँ टाइम के साथ दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ का फेज़ का डिफरेंस तब चेंज होता है जब उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती हैं। हम अपने टॉपिक को सेम फ्रीक्वेंसीज़ वाली अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ पे जस्ट इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं कि दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ लेने वाले हैं, सेम फ्रीक्वेंसीज़ की लेने वाले हैं, और दोनों का फेज़ लैग और फेज़ लीड अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ कि एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मीन एसी वोल्टेज भी हो सकती है, एसी हो सकता है, दैट पासिस थ्रू ज़ीरो पॉइंट अर्लियर सेट टू बी लीडिंग इन द फेज, एंड द अदर वन इज़ सेड टू बी लैगिंग इन द। तो कंसिडर करते हैं दो अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म जिनको मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ, और सॉरी
कंसिडर करते हैं दो अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म्स जिनको मैं ग्राफिकली दिखाने जा रहा हूँ. कंसिडर टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज वी एंड आई. एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को मैंने एसी वोल्टेज वी लिख दिया है, दूसरी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को आई का नाम दे दिया है. हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड पीक वैल्यूज वी एम आई एम रिस्पेक्ट. बच्चों मैंने दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ले ली हैं, एक एसी वोल्टेज वी लेने लगा हूँ, दूसरा अल्टरनेटिंग करंट आई लेने वाला हूँ. फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम ओमेगा लेने जा रहा हूँ. पीक वैल्यू वोल्टेज की वी एम है, पीक वैल्यू करंट की आई एम है. ग्राफिकली मैं दिखा रहा हूँ, ग्राफिकली शोन एस. जी बच्चों वेव फॉर्म मैंने आपके सामने ड्रा कर दी है दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की. एक वेव फॉर्म ये जो रेड लाइन है इससे दिखाई गई है, ये बार शो कर रहा है कि जो रेड कलर की लाइन है वो एसी वोल्टेज के स्केच को शो कर रही है विद टाइम, और जो ब्लू कलर वाली ये जो वेव फॉर्म बनाई है ये यहाँ पर देखें आई लिखा है, इट मींस ये करंट मीन अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म है. इधर हमने जहाँ पर ये पॉजिटिव पीक ली है वोल्टेज की वी एम, और इधर नीचे नेगेटिव पीक ली है वोल्टेज की वी एम, और जिधर पॉजिटिव पीक है वोल्टेज की वहाँ पे करंट की पॉजिटिव पीक इधर यहाँ पर शो की है और नीचे करंट की नेगेटिव पीक शो की. बाहर वाली एक्सेस पे उस क्वांटिटी को लिखा है जिसकी हम वेव फॉर्म बना रहे हैं, वो एसी वोल्टेज है और एसी है. और उस एक्सेस पे मैंने अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के फेजेस लिखे हैं एट पॉइंट ए बी सी डी ई. ये जो रेड कलर के साथ फेज लिखे हुए हैं ये इस रेड कलर वाले स्केच के हैं, यानी एसी वोल्टेज के फेज लिखे हुए हैं, और जो ब्लू कलर के साथ फेज लिखे हैं वो दूसरे लफ्ज़ों में इस ब्लू कलर वाली जो वेव फॉर्म है यानी अल्टरनेटिंग करंट की. दिस इज़ अवर रेफरेंस पॉइंट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ज़ीरो पॉइंट का नाम दे रहे हैं. अब ज़रा गौर से देखें जो ये ब्लू कलर वाली वेव फॉर्म है इसका ज़ीरो इधर पीछे मैं अगर एक्सटेंड करके ले जाऊं इधर बैक साइड पे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि इस ओ से इसका जो ज़ीरो यानी ये जो ब्लू कलर वाला स्केच है ये ज़ीरो पॉइंट से अर्लियर पास कर गया है. अंडरस्टैंड करें कि ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं जो ब्लू कलर वाला जो हमारी अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म है वो तो ये वाली है, ये पॉजिटिव हाफ है ये नेगेटिव हाफ है. तो इसका मतलब है कि ये जो ब्लू कलर वाली जो लाइन है ये जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोल रहे हैं ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ज़ीरो पॉइंट से अर्लियर पास कर गई है. और मैंने बताया है कि द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दैट पासेस थ्रू ज़ीरो पॉइंट अर्लियर सेट टू बी लीडिंग. इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है जो अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रही है ये फेज में लीड कर रही है. किस से लीड कर रही है, जो इस वक्त ज़ीरो पॉइंट से अभी पास करना शुरू हुई है, मीन ये वाली जो रेड कलर वाली अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो ज़ीरो पॉइंट से बाद में पास कर रही है, दैट इज़ सेट टू बी लैगिंग इन फेस. तो इसका मतलब है यहाँ पर ये वाली जो क्वांटिटी है जो रेड स्केच के साथ शो की गई है ये फेज में लैग कर रही है, जो ब्लू स्केच के साथ शो की गई है वो फेज में लीड कर रही है. अब देखते हैं दूसरे सेंस में फेज कंपेयर करके देख लेते हैं. ये तो बाय डेफिनेशन बता दिया कि एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दैट पासेस थ्रू जीरो पॉइंट अर्लियर सेट टू बी लीडिंग इन फेज सच एज अल्टरनेटिंग करंट हेयर इन दिस ग्राफ, एंड द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दैट पासेस थ्रू जीरो पॉइंट लेटर ऑन सेट टू बी लैगिंग इन फेज सच एज वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज हेयर. बाय डेफिनेशन जो करंट है अल्टरनेटिंग करंट है फेज में लीड कर रहा है वोल्टेज से, या जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो फेज में लैग कर रही है अल्टरनेटिंग करंट से. कितना कर रही है वो बाद की बात है, जितना फेज में लीडिंग या लैगिंग है वो फेज डिफरेंस है. हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि फेज लीड क्या है फेज लैग क्या. अब कंपेयर करके देखें ये जो ए पॉइंट है
ज़रा देखें वोल्टेज जस्ट स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, जो रेड कलर वाली लाइन है उसका फेज तो ज़ीरो है, लेकिन जो क्वांटिटी इस ब्लू स्केच में दिखाई गई है वो पॉजिटिव पीक पे है, वो अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट की यहाँ पर वैल्यू प्लस आई एम है, यानी मैक्सिमम है, और इसका फेज पाई बाई टू है। पढ़ करें पॉजिटिव पीक का फेज पाई बाई टू होता है, वोल्टेज का फेज जीरो है, करंट का फेज पाई बाई टू है, तो जाहिर है नजर आ रहा है करंट फेज में पाई बाई टू वोल्टेज से लीड कर रहा है। और अगर कन्वर्सली देखें तो हम ये कह रहे हैं कि ये वाली जो क्वांटिटी है इसका फेज कम है इससे, मीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट से फेज में लैग कर रही है। तो जाहिर जब एक क्वांटिटी लीड करती है रिलेटिवली दूसरी क्वांटिटी लैग करती है, ऐसे ही कि जब दो के बीच में मैच होता है एक जीतता है तो दूसरा रिलेटिवली हार जाता है, एक आगे निकल जाए दूसरा रिलेटिवली पीछे रह जाता है। यहाँ पर भी हम ये बोल रहे हैं कि दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं, जो इस पॉइंट से अर्लियर पास कर गई वो ये वाली है जो कि ब्लू वाले ग्राफ से दिखाई गई है, वो अल्टरनेटिंग करंट है लीडिंग इन फेस। जो रेड वाली है वो एसी वोल्टेज है, वो जीरो पॉइंट से बाद में पास कर रही है, दैट इज लैगिंग इन फेज। तो इस चीज़ को यहाँ पर देखें, द फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई एट पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई आर, मैं इस अल्टरनेटिंग करंट के फेज लिख रहा हूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, जो नीचे ब्लू कलर के साथ दिखाए गए हैं, पाई बाई टू पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, फाइव पाई बाई टू। अब बच्चों ज़रा अंडरस्टैंड करें, ये पाई बाई टू है, इसमें मज़ीद पाई बाई टू ऐड किया तो ये पाई बन गया, पाई में मज़ीद पाई बाई टू ऐड किया थ्री पाई बाई टू बन गया, थ्री पाई बाई टू में मज़ीद पाई बाई टू ऐड किया तो टू पाई बन गया, टू पाई में जब प्लस पाई बाई टू और करेंगे फाइव पाई बाई टू बन जाएगा। इट मीन्स हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से इक्वल फेज डिफरेंस पे मौजूद है और डिफरेंस पाई बाई टू है इन दो पॉइंट के फेज का, इन दो पॉइंट के फेज का, या कोई से भी नेक्स्ट दो सक्सेसिव या कंजेक्टिव पॉइंट का जो फेज में फ़र्क है वो पाई बाई टू है। तो ये ए बी सी डी ई के जो फेजेस लिखे हैं इन तमाम का आपस में डिफरेंस वो पाई बाई टू है। मैंने फेजेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट लिखे हैं इस ब्लू कलर वाली लाइन के, आई के फेजेस लिखे हैं जो ये नीचे मैंने एक्सप्रेस कर रखे हैं एट पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। द फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई एट पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई आर पाई बाई टू पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, फाइव पाई बाई टू रेस्पेक्टिवली। एंड द फेज ऑफ ए सी वोल्टेज वी at these points are 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 and 2 pi respectively। बच्चों मैंने बताया है कि जो फेज AC के हैं यानी अल्टरनेटिंग करंट के हैं, ये जो ब्लू कलर वाला ग्राफ आपको दिखाया है A B C D E इन पॉइंट्स पे, वो मैंने ये नीचे लिखे हैं, A के ऊपर I का फेज pi by 2 है, B पे I का फेज पाई है, C पॉइंट पे 3 पाई बाई 2 है, D पॉइंट पे 2 पाई है, E पॉइंट पे 5 पाई बाई 2 है। अब ये बच्चों ये जो एक पॉइंट के फेज से नेक्स्ट पॉइंट का जो फेज़ है इसमें पाई बाई 2 का डिफरेंस है, इसमें पाई बाई 2 का डिफरेंस है, इसका पाई बाई 2 का डिफरेंस है, इसका पाई बाई 2 का डिफरेंस है। ये जो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ ये इन दोनों वेव फॉर्म के मैं डिफरेंस नहीं बता रहा, मैं किसी एक वेव फॉर्म के जो फेजेस लिखे हैं ए पे बी पे सी पे डी पे ई पे, तो इस पॉइंट से जब वेव फॉर्म इस पॉइंट पे आती है तो उसका फेज चेंज हो जाता है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो फेज़ का फ़र्क है ए और बी के दरमियान जो फेज़ का फ़र्क है वो पाई माइनस पाई बाई टू अगर करें तो पाई बाई टू आएगा, फिर बी और सी का जो डिफरेंस है वो इन दोनों का डिफरेंस है पाई बाई टू आएगा, इन दोनों का डिफरेंस पाई बाई टू है, इन दोनों का डिफरेंस भी पाई बाई टू है। इसी तरह से जो वोल्टेज की वेव फॉर्म है जो रेड लाइन से शो की है उसके फेजेज हमने ये लिखे हैं, लेकिन एक पॉइंट से अगले पॉइंट पर जाते हैं तो फेज़ में पाई बाई टू का डिफरेंस आ रहा है। अब हम इन दोनों के आपस में फेजेज अगर कंपेयर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि पॉइंट ए पे करंट का फेज़ तो पाई बाई टू है लेकिन वोल्टेज का फेज़ ज़ीरो है, इसका मतलब करंट जो है वो वोल्टेज के फेज से पाई बाई टू लीड कर रहा है और हर पॉइंट पे लीड कर रहा है। किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें, सपोज़ हम सी पॉइंट पे देखते हैं तो सी पॉइंट पे वोल्टेज का फेज़ तो हमें नज़र आ रहा है कि वोल्टेज का फेज़ तो पाई है लेकिन करंट का फेज़ थ्री पाई बाई टू है, इट मीन पाई बाई टू उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इस
डायग्राम के अंदर हर पॉइंट पे जो करंट है वो फेज में लीडिंग है अल्टरनेटिंग वोल्टेज से, जबकि वोल्टेज जो है वो फेज में करंट से लैगिंग है हर पॉइंट पे। कितनी लीडिंग है या कितनी लैगिंग है, दैट इज पाई बाई टू। तो जितनी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से फेज में लीड करती है या लैग करती है, उसको हम बच्चों फेज डिफरेंस का नाम देते हैं। अभी इसको देखते हैं। इट कैन बी सीन दैट द अल्टरनेटिंग करंट आई इज लीडिंग बाई द एसी वोल्टेज वी इन द फेज एट ईच पॉइंट बाई पाई बाई टू। इट कैन बी सीन दैट करंट इज लीडिंग बाई द एसी वोल्टेज वी इन द फेज एट ईच पॉइंट बाई पाई बाई टू, वाइल द एसी वोल्टेज वी इज लैगिंग बाई द अल्टरनेटिंग करंट आई इन द फेस एट ईच पॉइंट बाई पाई। इसका मतलब है पॉइंट ए पे वोल्टेज का फेज जीरो है, करंट का फेज पाई बाई टू, एज मीन करंट का फेज ज़्यादा है वोल्टेज से, या वोल्टेज का फेज करंट से कम है, मीन करंट फेज में इससे लीड कर रहा है वोल्टेज करंट से पाई बाई टू लैग। इन दोनों का डिफरेंस पाई बाई टू है, इन दोनों का डिफरेंस पाई बाई टू है, इन दोनों का डिफरेंस भी पाई बाई टू है, इन दोनों का डिफरेंस पाई। बच्चों ये जो दो फेज लिखे हुए हैं, एक वोल्टेज का है एक करंट का है, ब्लू वाला करंट का फेज है, रेड वाला वोल्टेज का फेज है, तो डिफरेंस पाई बाई टू बोल रहे हैं। दिस इज फेज डिफरेंस, यानी इन फेजेस का और इन फेजेस का जो आपस में डिफरेंस है एट ईच पॉइंट, दैट इज फेज डिफरेंस। लेकिन जो मैंने ये डिफरेंस बताया था, ये तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है या यहाँ पे होती है, तो या यहाँ पे होती है तो उसका फेज डिफरेंट होता है, तो वो तो एक ही वोल्टेज के डिफरेंट पॉइंट पे फेजेस हैं, वो तो मैंने इस पॉइंट पे फेज की वैल्यू लिखनी है तो अगले पॉइंट पे लिखनी है या उससे अगले पॉइंट पे लिखनी है, तो पाई बाई टू ऐड करते जाना है, वो एक अलहदा बात बताई है। लेकिन जो फेज़ का डिफरेंस है वो किसको बोलते हैं, जो वोल्टेज और करंट के फेज़ के बीच में डिफरेंस है, उसको हम फेज़ डिफरेंस का नाम देते हैं। अब बच्चों मैंने बताया है कि जब दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की फ्रीक्वेंसी सेम होती हैं तो उनका फेज़ डिफरेंस हर पॉइंट पे बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर फेज़ डिफरेंस पाई बाई टू है, तो वहाँ पर भी फेज़ डिफरेंस पाई बाई टू है, या नेक्स्ट आगे जब ये वेव फॉर्म प्रोसीड करेंगी फिर भी फेज़ डिफरेंस पाई बाई टू रहेगा। उसकी रीज़न क्या है कि जो हमने दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ड्रा की हैं दे हैव अ सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। लेकिन अगर ये दोनों वेव फॉर्म डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली होती तो फिर इनका फेज़ डिफरेंस हर पॉइंट पर सेम नहीं रहना था, फिर मे बी पॉसिबल था किसी पॉइंट पर फेज़ डिफरेंस ज़ीरो हो जाए, इट मीन कि ये सेम फेज़ में आ जाएँ, ये किसी दूसरे पॉइंट पे जाकर इनका फेज़ का डिफरेंस 180 यानी पाई रेडियन हो जाए, इट मीन ये आउट ऑफ फेज़ हो जाएं, और ये भी पॉसिबल है कि किसी दूसरे पॉइंट पे किसी तीसरे पॉइंट पे उनका फेज़ का डिफरेंस पाई बाई टू हो जाए या सम अदर हो जाए। इसका मतलब है कि अगर दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हैं तो उनका फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता। हमने जो वेव फॉर्म ड्रा की है वो फेज लीड फेज लैग को एक्सप्लेन कर रही है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस को शो कर रही है, विच इज़ इक्वल टू पाई बाई टू। नाउ हाउ वी कैन एक्सप्रेस दीज क्वांटिटीज मैथमेटिकली। मैं जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमने ये जो एसी वोल्टेज की वेव फॉर्म बनाई है ये ऑलरेडी मैथमेटिकली हमने इसको एक्सप्रेस किया हुआ है, तो एसी वोल्टेज की वेव फॉर्म दैट इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इसको देखें कि एसी वोल्टेज की यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ज़ीरो है। जो स्टार्टिंग पॉइंट हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान में रखूं तो इसका तो हमने रेफरेंस पॉइंट भी यही है, स्टार्टिंग भी यही है, और जो वो वाला ग्राफ है उसका यानी कि रेफरेंस पॉइंट तो यही है और रेफरेंस पॉइंट पे वो मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है अगर इन टर्म ऑफ टाइम देखें तो जिस इंस्टेंट पे इसको देख रहे हैं टी ज़ीरो पे इसको देखा है, इसकी वैल्यू तो ज़ीरो है, लेकिन टी ज़ीरो पे उसको देखा है उसकी वैल्यू तो मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है कि वो वाली जो वेरिएशन है तो पीरियाडिक है, वो भी साइनसाइडल, लेकिन ज़ीरो के एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की तब आती है जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस का लगाते हैं। इसका मतलब है कि मैथमेटिकली ये वाली जो क्वांटिटी, इसको हमने अगर लिख दिया वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, बाकी आपको बच्चों पता है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इस टोटल को हम फेज़ का नाम देते हैं। अब चूँकि दोनों का फेज़ एक जैसा नहीं है तो जाहिर है फिर दोनों
क्वांटिटीज़ के फेज़ में लाजमी तौर पर यहाँ पर डिफरेंस आएगा, तो पहले तो इसका मैथमेटिक्स में लिखूँ एंड आई इक्वल आई कॉस। ये ग्राफ शो कर रहा है कि जब इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जीरो है तो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैक्सिमम है, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हुई है करंट की वैल्यू जीरो हुई है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है कि साइन और कॉस दो ऐसे फंक्शन हैं जो साइमल्टेनियसली जीरो पे या मैक्सिमम वैल्यू नहीं देते। जब साइन का फंक्शन जीरो वैल्यू प्रोड्यूस करता है, कॉस का फंक्शन उस वक्त मैक्सिमम वैल्यू देता है। जब साइन का फंक्शन मैक्सिमम पे आता है, कॉस का फंक्शन जीरो पे आ जाता है। तो इसका मतलब है अगर ये वाली वेरिएशन साइनसाइडल हमने साइन के साथ लिखी है, तो ये वाली जो वेरिएशन है वो फिर कॉस के साथ लिखी जाएगी। और मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखूँ आई इक्वल टू आई एम, इस कॉस ओमेगा टी को बच्चों हम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं। अब अंडरस्टैंड करें, मैंने बताया कि जिस वक्त वोल्टेज का फेज़ ज़ीरो है उस वक्त ये वाला करंट का फेज़ पाई बाई टू है। अगर मैं वोल्टेज के फेज़ में ज़ीरो लगाऊं साइन ज़ीरो ज़ीरो तो वी इक्वल ज़ीरो, ग्राफ विल स्टार्ट हेयर। और अगर मैं यहाँ पर ओमेगा टी की जगह पे ज़ीरो लगाऊं लेकिन ये पाई बाई टू तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, साइन पाई बाई टू तो वन आएगा, आई इक्वल टू आई मैक्सिमम ही आएगा। इसका मतलब द करंट ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। इसका मतलब है कि इस रेड लाइन को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो दैट इज़ इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और अगर ब्लू कलर को मैं मैथमेटिकली लिखूं तो इट इज़ आई इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी। इन टर्म ऑफ साइन इट कैन बी रिटन एज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। नाउ कंपेयर द फेजेस ऑफ दीज टू अल्टरनेटिंग क्वान्टिटीज। अब इस क्वान्टिटी का फेज देखें दैट इज ओमेगा टी, इस क्वान्टिटी का फेज देखें दैट इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसका मतलब क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट फेज में लीड कर रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज से, कितना पाई बाई टू। इट मीन्स इसके फेज में और इसके फेज में डिफरेंस कितना है, अगर हम इस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू में से ओमेगा टी माइनस कर दें, फेज डिफरेंस इज पाई बाई टू। सो दीज टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज आर नॉट इन सेम फेज, विच वन इज लीडिंग इन फेज, अल्टरनेटिंग करंट इज लीडिंग इन फेज विच इज ड्रॉन हेयर बाई द ब्लू लाइन, एंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज लैगिंग इन फेज बाई पाई बाई टू विच इज ड्रॉन हेयर बाई रेड लाइन। इट मीन्स फेज लीड फेज लैग आर रिलेटिव टर्मिनोलॉजीज। हमें इसको कन्वर्सली लिखने का एक और तरीका भी है लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे। अगर मैं वोल्टेज को बदलता हूँ इन टर्म ऑफ करंट, या मैं अगर करंट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करता हूँ तो वो कैसे लिखूँगा। दीज वेव फॉर्म कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एस। अब अच्छा मैंने इसी को कन्वर्सली लिख दिया है कि अगर मैं करंट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करता हूँ आई इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी, यानी अगर मैं करंट की जो वैल्यूज़ है उसको पहले ले लिया है, और इन जनरल इफ़ फेज डिफरेंस बिटवीन V and I is phi, then V equal to Vm sin omega t and I equal to Im sin omega t plus pi by 2. It means current is leading in phase by voltage in phase by phi, or voltage is lagging in phase by I in phase phi. This phi is known as phase difference.